टीवी शो निमकी मुखिया में इमरती देवी का किरदार निभाने वाली सीनियर एक्ट्रेस रीता भादुड़ी अब हमारे बीच नहीं है। खबरों की माने तो पिछले करीब 10 दिन से रीता की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। आइए अब आपको बताते हैं रीता भादुड़ी की जिंदगी की पूरी कहानी। 4 नवंबर 1955 में जन्मी रीता भादुड़ी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा रही हैं। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग से बेहद लगाव रहा है। बता दें कि रीता ने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की है। वो FTII के 73 बैच की स्टूडेंट रही हैं। एक्ट्रेस जरीन वहाब भी उनकी क्लासमेट थी। दोनों स्टार्स की गहरी दोस्ती कॉलेज टाइम के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार रही। बात करें अगर रीता के एक्टिंग करियर की तो उन्हें 1979 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म से लोकप्रियता मिली थी, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला था। फिर इसके बाद 1975 की सुपरहिट फिल्म जूली में रीता ने लीड एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाया था। बता दें कि इस फिल्म में उन पर गाना ये रातें नई पुरानी शूट किया गया था, जो कि काफी पॉपुलर सॉन्ग है। फिल्म जूली के अलावा भी रीता ने कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें अनुरोध, फूलन देवी, घर हो तो ऐसा, दलाल, रंग और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा रीता भादुड़ी ने शाहरुख खान के साथ कभी हाँ कभी ना में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। हाल ही में वो टीवी शो निमकी मुखिया में नजर आई थी। इस शो में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। बता दें कि इस शो से पहले रीता ने कई और टीवी शोज में काम किया है, जिनमें सारा भाई वर्सेस सारा भाई, अमानत, कुमकुम, छोटी बहू, हसरतें और बाइबल की कहानियां जैसे कई सुपरहिट शो शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों रीता को शूटिंग करने में काफी परेशानी आ रही थी। उन्हें किडनी की समस्या बताई गई, जिसकी वजह से उन्हें हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। और अब आखिरकार रीता भादुड़ी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कि अब रीता के जाने के बाद टेलीविजन और बॉलीवुड में शोक की लहर है। अब इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा कलाकार इस महान अदाकारा को अपनी भावुक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऐसे में टीवी और फिल्मों की इस महान अदाकारा को हमारी तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।